कराची में बलदियाती इंतखाबात का दंगल, कहीं पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है तो कहीं पोलिंग स्टेशन पर लिस्ट ही गलत लगा दी गई है, वोटर्स को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसील जानने के अपने नुमाइंदे अता हुसैन से। अता आगा कीजिएगा। जी देखिए, कराची में बलदियाती इंतखाबात का मेला जो है वो सजा हुआ है, काफी गहमागहमी भी नजर आ रही है। इस वक्त मैं UC9 के पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, जो कि राहत पब्लिक स्कूल में जो है वो बना है, सरकारी स्कूल है। ये लाइंजेरिया सोसाइटी ऑफिस के अंदर जो वाकई है ये स्कूल। अगर कैमरामैन शहरोज यहाँ पे आपको दिखाए कि यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह है कि यहाँ पे लिस्टें जो है वो बिल्कुल ही आउट हो चुकी हैं। वोटर्स जो है यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अपना नाम आके यहाँ पे लिस्टों में ढूंढने, तो उनका नाम उनको नहीं मिल रहा है। इस स्कूल की जो लिस्टें थी वो यहाँ नहीं लगाई गई हैं, अलबत्ता दूसरे पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जो है वो यहाँ लगा दी गई है। वोटर्स जो है काफी परेशान हो गए, मुख्तलिफ मुकामात पे भी ये शिकायतें मौसूल हो गई हैं कि कहीं पोलिंग का अमला जो है वो सुस्त रवि के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। लोग लंबी लंबी कतारें लगा के जो है वो खड़े हो गए हैं, वोटर्स काफी काफी देर से, तब जाके वो अपने हक के रायदेही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं वो पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो वो ताखीर से शुरू हुआ, जिसकी वजह से वोटर्स जो है वो बगैर वोट डाले ही जो है वो वोट कास्ट किए बगैर ही जो है वो वापस अपने घरों को लौट गए। कुछ वोटर से भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पोलिंग का जो अमला है वो काफी सुस्त रवि से जो है वो काम कर रहा है मुख्तलिफ मुकामात पे, जिसकी वजह से हमें दुश्वारी का भी सामना करना पड़ रहा है और कहीं पर लिस्टें जो है वो आउट है, जिसकी वजह से मजीद मुश्किलात भी पेश आ गई है। तहम अगर टर्नआउट की बात करें तो सुबह से ही टर्नआउट काफी कम है, क्योंकि छुट्टी का रोज भी है। तो अलबत्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो वो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा कि टर्नआउट बढ़ता है या नहीं, अलबत्ता 1 बजे के बाद ही जो है वो टर्नआउट बढ़ने का इम्कान है। तहम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे वोट अभी जो है वो ना होने के बराबर कास्ट हुए हैं, कहीं हुए हैं, कहीं पे काफी कम है, कहीं पे 4 हैं तो कहीं पे 10 हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी जो है वो सख्त है पूरे शहर भर में। हैदराबाद और कराची डिवीजन में जो है वो इंतखाबात शुरू है, MQM ने जो है वो इसका बायकॉट कर दिया है बलदियाती इंतखाबात का, और अभी सिर्फ जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। तहम पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अता हुसैन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।